जो दो फाइनलिस्ट हैं साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों अनबीटन फाइनल में पहुंच रहे हैं मुझे ही लगता है कि इंडिया इज गोइंग द द फाइनल्स एज फेवरेट्स बाबुडो की पिच ये 165, 170 की है एक सौ पैंसठ सत्तर पहले खेलने वाली टीम अगर कर गई तो चेस करने वाली टीम के लिए बहुत बड़ा मसला होगा रोहित तो प्रेशर नहीं लेता लेकिन अगर रोहित कोहली और सूर्य कुमार यादव ये तीन विकटे साउथ अफ्रीका शुरू में निकाल लेती है तो मेरा ख्याल है कि मैच बन जाएगा वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसारिदमत में हाजिर है आज क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल है और सोचा कि जब से पाकिस्तान की टीम आउट हुई मैंने कोई इस सिलसिले में पॉडकास्ट नहीं किया तो आज सोचा कि हो जाए एक आखिरी पॉडकास्ट टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2024 का और थोड़ी सी कुछ बात कर लेते हैं कि जो दो फाइनलिस्ट हैं साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों अनबीटन फाइनल में पहुंच रहे हैं साउथ अफ्रीका नोन एज चोकर्स उनको बत्तीस साल लगे हैं कि वो किसी फाइनल में पहुंचे हैं और uh, हमेशा अंडर प्रेशर वो क्रम्बल कर जाते हैं साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल अफगानिस्तान के साथ था और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने उनको मारा और बड़ा ही वन साइडेड किस्म का मैच हुआ और अफ़ग़ानिस्तान इज़ अ गुड टीम लेकिन आ, अभी भी उसमें बहुत कसर है बहुत उसमें गुंजाइश है कि वो इस लेवल पर पहुँचेगी बट फॉट वेरी वेल प्लेड वेरी वेल बड़े जिगरे के साथ खेले हैं

चोक नहीं किए सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका का एक जर्नी देख लेते हैं साउथ अफ्रीका ने गो के तमाम मैचेस जीते हैं लेकिन आपको याद दिला दूं कि नेपाल से वो अपना मैच सिर्फ एक रन से जीते थे तो एक लिहाज से मुझे लगता है कि नेपालीज जो हैं वो अकबर जानेब होंगे ये कहने के कि जिस टीम ने हमें सिर्फ एक रन से हराया वो फाइनल में पहुँच गई इसी तरह बांग्लादेश के अगेंस्ट भी साउथ अफ्रीका का मैच फंस गया था एक रन ने किए थे और इंडिया बांग्लादेश को वालीमन ने एक सौ सात रन पर आउट किया वो भी एक 109 पे बहुत छोटा सा मार्जिन था जिससे कि ये लोग जीते और जो यू के साथ मैच था वहाँ पर भी ये लग रहा था कि यू uh, 194 जो किया है साउथ अफ्रीका ने वो यू कर जाएगा लेकिन वो 176 कर सके तो अगर आप ओवरऑल जर्नी देखें अभी तक की तो साउथ अफ्रीका हैज़ हैड सम वेरी क्लोज़ कॉल्स एज वेल ऑन द अदर हैंड अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और वो वाद मैच था पाकिस्तान का जो इंडिया तकरीबन हार चुका था और वो उस हारे हुए मैच को पाकिस्तान की अपनी ख़राब बैटिंग और इंडिया की अच्छी बोलिंग रोहित की अच्छी कैप्टनसी उसकी वजह से दे टर्न द टेबल्स एंड दे वन द मैच बाकी और कोई भी टीम उनको किसी किस्म का भी कोई चैलेंज नहीं दे सकी ऑस्ट्रेलिया uh, जैसी टीम को उन्होंने गाजर मूली की तरह काट के रख दिया और साइड पे फेंक दिया सेमीफाइनल में उन्होंने इंग्लैंड का जो हाल किया वो सबके सामने है और दोनों टीमें फाइनल में हैं दो के दोनों टीमें कोई मैच नहीं हारी हुई है। हैं अगर हम करंट फॉर्म को देखें तो इस वक्त इंडिया फेवरेट है फॉर्म पर भी प्लेयर्स की क्वालिटी पर भी ऑन पेपर भी और ऑन ग्राउंड भी और मुझे ही लगता है कि इंडिया इज गोइंग इन टू द फाइनल्स एज द फेवरेट्स अब जरा पिच की बात कर लेते हैं मैच बाबरडोस में है बाबरडोस की ये वो पिच नहीं है जिसमें इंडिया और अफग़ानिस्तान का मैच हुआ था ये पिच डिफरेंट है इधर बॉल फंसती है इधर बॉल रुकती है इधर का बाउंस भी थोड़ा डिफरेंट है बॉल नीचे बैठेगी और जैसा कि हमने इंडिया और इंग्लैंड के सेमीफाइनल में देखा कि टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले इंडिया को बैटिंग करा दी वहाँ पर मेरा अपना यह ख्याल है कि इंग्लैंड मैच हार गया क्योंकि पिच पहले अच्छी खेल रही थी बॉल बैट पे आ रही थी रोहित ने बहुत अच्छे स्ट्रोक्स खेले सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छे स्ट्रोक्स खेले इंडिया की खैर बैटिंग में डेप्थ भी है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन मेरा अपना यह ख्याल है कि अगर इंग्लैंड खुद पहले बैटिंग करता तो ये एक मैच बन सकता था इंग्लैंड हैड अ चांस टू विन दिस मैच उन्होंने पिच को मिस रीड किया उन्हें पहले इंडिया को बैटिंग कराई और जब तक उनकी बारी आई पिच बहुत स्लो हो गई हुई थी उसका बाउंस बहुत लो था बॉल रुक कर आ रही थी शॉट्स खेलनी बिल्कुल भी आसान नहीं थी और 170 उस पिच पर बहुत अच्छा तकड़ा स्कोर था बाबडोस की पिच भी एग्जैक्टली exactly वैसा ही खेलेगी मोरलेस वैसा ही खेलेगी ये एक सौ पैंसठ एक सौ सत्तर रन की पिच है Uh, कोई भी टीम इससे ऊपर ना तो अपना टारगेट सेट करे जो पहले खेल रही है एक सौ पहले खेलने वाली टीम अगर कर गई तो चेस करने वाली टीम के लिए बहुत बड़ा मसला होगा इसके साथ साथ uh, मैं ये भी कहूँगा कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है और रोहित फायरस तो मैच 80 परसेंट वहीं पर ख़त्म हो जाएगा लेकिन चलें कुछ कंसर्न्स की बात भी कर लेते हैं इंडिया के लिए विराट कोहली इज़ नॉट फायरिंग लेकिन इंडिया की टीम इतनी स्ट्रांग है उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि विराट कोहली जैसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर वंस इन अ जनरेशन प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ा वो मैचेस जीतते जा रहे हैं और मैं रोहित को क्रेडिट दूंगा जिस तरीके से उसने अपनी टीम को लीड किया है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट उसका वो जो एक क्या वो बॉम्बे की लैंग्वेज में मुंबई की लैंग्वेज में ना किस्म का जो उसका एटीट्यूड है वो बहुत ज़बरदस्त है केयर फ्री और बहुत, बहुत अच्छी उसने कैप्टनसी भी की है और बैट्समैन तो वो कमाल है ही है इसमें कोई शक नहीं है तो इंडिया इज़ गोइंग इन देयर विद लॉट ऑफ प्लसेस लेकिन माइनस ये है कि इंडिया अगर टॉप ऑर्डर में दो तीन चार विकटें गिर जाती हैं जो कि वो फाइनल्स के प्रेशर में ऐसा खेल जाती है इंडिया अगर फाइनल में इनकी दो तीन विकटें गिर जाती और औ, और साउथ अफ्रीकन के पास ऐसा बॉलिंग यूनिट है कि जो इंडिया को किसी भी वक्त इस मुसीबत में डाल सकता है टॉप ऑफ द तो ऑर्डर जैनसन है रबादा है नॉर्थिया है उसके बाद महाराज है शमसी है साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ उनकी बोलिंग है अगर साउथ अफ्रीकन बॉलिंग इंडिया की टॉप ऑर्डर दो तीन विकटें उड़ा देता है तो इंडिया डाउन हो जाती है एक डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलना शुरू कर देते हैं इंडिया लास्ट टाइम का भी फाइनल हारा हुआ है उससे लास्ट टाइम सेमीफाइनल पिछले वर्ल्ड कप में टी ट्वेंटी में हारा था वो एक प्रेशर लेकर आ रहे हैं इंडिया ने लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी धोनी के थ्रू जीता था जो कि अब 11 साल हो गए और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और इंडिया के ऊपर फिर फैंस का और मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एक्सपेक्टेशन्स होती हैं रोहित तो प्रेशर नहीं लेता लेकिन अगर रोहित कोहली और सूर्य कुमार यादव ये तीन विकटें साउथ अफ्रीका शुरू में निकाल लेती है तो मेरा ख्याल है कि मैच बन जाएगा फिर गेम 50 50 हो जाएगी क्या साउथ अफ्रीका इस तरह की बॉलिंग कर सकेगा नहीं कर सकेगा ये देखने वाली बात है और अगर पहले साउथ अफ्रीका बैटिंग करता है और 170 सौ का टारगेट दे देता है और उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में साउथ अफ्रीका बोलिंग करता है तो महाराज शमसी दे विल कम इन टू द प्ले और उसके साथ साथ उनके बहुत अच्छे पेसर्स हैं चाहे नोटिया हो चाहे रबादा हो चाहे जेंसन हो दे वेरी गुड बोलर्स दे गिव वेरी लिटल अवे एंड आर अटैकिंग बोलर्स अगर उन्होंने ऊपर से तीन चार उड़ा दिए तो इंडिया के लिए मसला हो जाएगा ये मेरी प्रडिक्शन है और अगर साउथ अफ्रीका पहले खेला एक सौ पैंसठ सत्तर या पचहत्तर तक का टारगेट दे दिया और इंडिया के ऊपर से दो तीन आउट कर लिए तो फिर गेम बनती है अगर इंडिया पहले खेले तो भी साउथ अफ्रीका अगर उनको 150-55 तक रिस्ट्रिक्ट करता है और सेकेंड इनिंग में फिर कोशिश करे कि वो उसको चेज करे इंडिया का बोलिंग लाइन द ग्रेट ऑल रिस्पेक्ट टू भूमरा आई थिंक द बेस्ट अनडाउली एंड वन डे बोलर इन प्रेजेंट गेम आजकल के गेम में आजकल के एरा में भूमरा से बेहतर बोलर नहीं है उसको मारना बहुत मुश्किल है अर्शदीप इज कॉम्प्लीमेंटिंग वेरी वेल उसके बाद आ, मेरा ख़्याल है हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है अक्सर ने दोनों ऑलराउंडर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और इंडिया को एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो अभी है वो ये है कि रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है उसने अपना बॉलिंग एक्शन चेंज किया है उसका दो साल पहले की और अब की अगर आप बॉलिंग स्पीड देखें तो उसमें तकरीबन दस किलोमीटर्स का आ, फ़र्क पड़ा है उसकी बॉल तेज़ भी है उसकी बॉल ग्रिप भी कर रही है उसकी बॉल स्पिन भी कर रही है और बाबरडोस की पिच इज़ आइडियल फॉर हिम हिम शमसी महाराज uh, मेरा ख्याल है इन तीनों की बॉलिंग देखने वाली होगी अक्सर पटेल ने सेमीफाइनल में बहुत अच्छी बॉलिंग की है जदेजा आई डोंट नो बोल करेगा कि नहीं करेगा लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर साउथ अफ्रीकन्स तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी

दो आईसीसी ट्रॉफ़ीज़ अपने पास ले जा चुका है उन्नीस में कपिल देव की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता और 2013 में धोनी की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो जून इंडिया को सूट भी करता है लकी भी है उनकी टीम भी अच्छी है फॉर्म में भी है आ, शर्मा इज़ गोइंग ग्रेट गांस और अगर वो आज अच्छा स्कोर करता है तो टूर्नामेंट का हाई स्कोर भी हो जाता है इस टीम इज़ ऑल जेल्ड प्लेइंग वेरी वेल लेट सी एज फार एज आई एम कंसर्न आई से इंडिया इज गोइंग टू विन द मैच मोस्ट प्रोबली ऑन द पेपर ऑनल सनटल साउथ अफ्रीका टोल्स आउट अ मेरिकल एंड गिव अ परफॉर्मेंस ऑफ अ लाइफ टाइम आप लोगों का क्या ख्याल है इंडिया जीतेगा कि साउथ अफ्रीका नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा शुक्रिया